हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेस के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है मिक्सिंग। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मिक्सिंग को कैसे यूज करना है, तो देखते रहिए इस वीडियो को। मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हैं यूएक्स ट्रेंड। वेलकम बैक दोस्तों, ये सेस सीरीज की फोर्थ वीडियो है और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि सेस में मिक्सिंग को कैसे यूज करते हैं। अब ये मिक्सिंग क्या होता है, मिक्सिंग को समझना बहुत आसान है। मिक्सिंग का सिंपल वर्ड्स में मतलब है कि रियूजेबल पीस ऑफ कोड। इसको हम एक वेरिएबल की तरह मान सकते हैं पर इसमें मल्टी लाइन ऑफ कोड होता है। अब हम इसको कोड में चल के देखते हैं कि इसको कैसे यूज करते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे दो बॉक्स बनाए हुए हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं इस दूसरे बॉक्स में भी एक बटन ले लेता हूँ इसी टाइप से। तो हम चलते हैं इसके HTML में और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ इमेज के नीचे पेस्ट कर देता हूँ। अब हमारा यहाँ पे आ चुका है पर इसमें स्टाइल नहीं आ रहा, तो हम स्टाइल भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। बॉक्स वन का A ले लेते हैं हम और यहाँ पेस्ट कर देते हैं और बॉक्स वन को बॉक्स टू कर देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ये बटन आ चुका है। हम इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कोई और कलर दे देते हैं इसमें। इसमें कलर प्राइमरी की जगह हम कोई और कलर दे देते हैं, ब्लू, या फिर कलर यहाँ से चूज कर लेते हैं हम कोई अच्छा सा कलर। इसको ये हम ब्लू कलर देते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने इसको ये ब्लू कलर दे दिया है और इसके डार्कन वैल्यू में 15% डार्क कर दिया है इसके माउस ओवर पे। अब हम बात करते हैं मिक्सिंग क्या होता है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको भी बताया था कि मिक्सिंग एक रीयूजेबल पीस ऑफ कोड होता है। जब हमें प्रोजेक्ट में लगता है कि हमारा ये 2-3 लाइन का कोड या 4-5 लाइन का कोड, CSS कोड, बार बार एक ही कोड यूज हो रहा है, तो हम उसको एक मिक्सिंग में बना लेते हैं और फिर उस मिक्सिंग को वहाँ इंक्लूड कर लेते हैं जहाँ हमें वो कोड चाहिए होता है। तो उससे वो कोड हमें बार बार नहीं लिखना पड़ता, हमें सिर्फ मिक्सिंग को इंक्लूड करना पड़ता है। अब इसको और समझने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास दो बॉक्स है, बॉक्स वन और बॉक्स टू। ये बॉक्स वन का स्टाइल है और इसके नीचे यहाँ ये बॉक्स टू का स्टाइल है। अब अगर हम इसमें देखें, बॉक्स वन में फॉन्ट फैमिली दोनों में सेम है, बॉर्डर सेम है, पैडिंग सेम है, बॉर्डर रेडियस सेम है, विड्थ सेम है। अब हम इनका एक मिक्सिंग बना लेते हैं। अब वो कैसे करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमें लिखना है @ मिक्सिंग और मिक्सिंग का यहाँ पे एक नाम लिखना है, तो नाम मैं लिख लेता हूँ ब्लॉक। अब इसमें मैं यहाँ से ये चीज कट कर देता हूँ और यहाँ ये पेस्ट कर लेता हूँ और ये सारा कोड भी मैं यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब इस बॉक्स वन में हमारे पास सिर्फ एक ही स्टाइल बचा है और इस तरह से मैं बॉक्स टू में से भी ये सब चीजें डिलीट कर देता हूँ। तो दोस्तों, आपने देखा हमारे पास बॉक्स वन और बॉक्स टू में सिर्फ कलर बचे हैं और वो बॉर्डर भी हट चुका है, पैडिंग भी हट चुकी है, विड्थ हट चुकी है, अब ये फुल विड्थ हो गया, बॉर्डर रेडियस भी हट चुका है, अब ये राउंडेड नहीं लग रहा। ये सारा कोड हमने यहाँ से कट करके इस मिक्सिंग में डाल लिया और इस मिक्सिंग को क्रिएट कर लिया है। अब जब भी हमें सारा कोड, 4-5 लाइन का कोड जो है, ये जहाँ भी यूज करना पड़ेगा, हमें सिर्फ ये मिक्सिंग इंक्लूड करना पड़ेगा और हमें बार बार ये सेम कोड यूज नहीं करना पड़ेगा, हमें सिर्फ एक मिक्सिंग यूज करना है। अब ये कैसे करना है, हमें यहाँ पे बॉक्स वन में लिखना है @ इंक्लूड और मिक्सिंग का नाम। अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो दोस्तों, आपने देखा जैसे ही मैंने ये इंक्लूड ब्लॉक, ये मिक्सिंग का नाम है, यहाँ पे इंक्लूड किया मिक्सिंग को, ये यहाँ पे इसका स्टाइल वैसा ही हो गया जैसा था। अब हमें क्या करना है, दूसरे बॉक्स में भी यही मिक्सिंग इंक्लूड करना है। तो दोस्तों, आपने देखा मैंने यहाँ भी ये मिक्सिंग यूज कर लिया है और दोनों में रिजल्ट वही आ रहा है जो पहले आ रहा था। अब हमें उतना कोड बार बार रिपीट नहीं करना पड़ा। तो दोस्तों, मिक्सिंग का हम यूज ही इसलिए करते हैं कि हमें बार बार सेम कोड रिपीट ना करना पड़े। तो उसके लिए हम एक मिक्सिंग बना लेते हैं और उस मिक्सिंग को हर बार यूज करते हैं। और दोस्तों, जब हम मिक्सिंग यूज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम वहाँ ये कोड रिपीट कर रहे हैं और उसके अलावा हम अगर कोई एक्स्ट्रा कोड है तो हम वो भी यहाँ लिख सकते हैं। मिक्सिंग तो इंक्लूड कर सकते हैं, साथ में हम अपना कोई और CSS का कोड भी यहाँ लगा सकते हैं। जैसे मैं लगाता हूँ बॉर्डर टॉप। अब मुझे इसका बॉर्डर टॉप अलग चाहिए, तो 5 पिक्सल रेड चाहिए। ये मैंने बॉक्स टू में किया। अब जैसे ही मैंने इसको सेव किया, आपने देखा यहाँ पे ऊपर बॉर्डर रेड आ गया। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि हम जिस CSS रूल में मिक्सिंग को यूज कर रहे हैं उसमें हम मिक्सिंग के अलावा और भी अपना CSS का कोड यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आप नोटिस करेंगे कि दोनों बॉक्स में एक H2 है और H2 का साइज भी सेम है, बस कलर डिफरेंट है। और दोनों बॉक्स में एक बटन भी है और बटन का साइज, बॉर्डर और पैडिंग वगैरह सब सेम है, बस कलर चेंज है। तो हम ट्राई करते हैं इनको भी मिक्सिंग में ही इंक्लूड करने के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा कौन सा कॉमन कोड है। बॉक्स वन में जो H2 है, इसका फॉन्ट साइज है 30px, कलर है ग्रीन और मार्जिन 0। और बॉक्स टू का जो H2 है उसमें भी फॉन्ट साइज 30 है, मार्जिन 0 है, कलर चेंज है। तो हम क्या करते हैं, हम इस मिक्सिंग में यहाँ पे हम एक H2 का कोड बना लेते हैं, इसके अंदर ही नेस्ट करके बनाना है हमें।
इसके अंदर मैं सिर्फ एक कलर रहने देता हूँ, बाकी सब कट करके मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और इसी तरह से मैं पहले मैं इसको हटा देता हूँ और मैं यहाँ से सेव करता हूँ। तो आप देखेंगे कि बॉक्स वन में H2 का जो स्टाइल है वो हट चुका है, सिर्फ कलर रह गया है। तो अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ उसको और उसके बाद सेव करता हूँ। तो आपने देखा ये पहले जैसा आ गया वापस, क्योंकि अब ये इसका H2 यहाँ से इसको मिल रहा है ब्लॉक से। उसी तरह से हम बॉक्स 2 में भी ये डिलीट कर देते हैं। बॉक्स 2 में भी स्टाइल सेम ही आएगा क्योंकि यहाँ भी वो मिक्स इन इंक्लूड हो रहा है। और दोस्तों उसी तरह से बॉक्स 2 में जो ए है, ए में भी बहुत से कॉमन स्टाइल हैं, हम उनको भी कट कर लेते हैं। मैं ये सारा स्टाइल यहाँ से कट कर लेता हूँ सिर्फ बैकग्राउंड कलर छोड़ के, और बॉक्स 2 के ए से भी ये कट कर लेता हूँ। अब आपने देखा ये सारा स्टाइल हट चुका है, सिर्फ बैकग्राउंड कलर रह गया है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, हम मिक्सिन में जाके इसके ए का स्टाइल बना लेते हैं। अब वो सारा हम कोड यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे वो स्टाइल एज इट इज आ गया जैसा पहले था, क्योंकि यहाँ पे अब ये मिक्सिन हो रहा है। और मिक्सिन में आप कितना भी चाहे एलिमेंट नेस्ट करके बना सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब दोस्तों हम यहाँ चाहते हैं कि जो हमारे H2 का कलर है वो भी अगर मिक्सिन से आए तो कैसा रहे, तो हमें H2 लिखना ही नहीं पड़ेगा यहाँ पे। इसके लिए हमें यहाँ पे जाना है, अब हम आर्ग्यूमेंट यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसको यूज करने का तरीका होता है कि हमें यहाँ पे ब्रैकेट देने, आर्ग्यूमेंट हमेशा डॉलर में लिखा जाता है। आर्ग्यूमेंट शायद आपने जावास्क्रिप्ट, जेक्वेरी या और लैंग्वेज में भी यूज कर रहे होंगे। तो इसमें आर्ग्यूमेंट में हम लिखेंगे डॉलर और लिखेंगे हम हेडिंग कलर लिख देते हैं। तो अब हमें क्या करना है, H2 में जो कलर है यहाँ पे लिखना है सेम ये हेडिंग कलर। अब हमने यहाँ पे ले लिया हेडिंग कलर, अब हम यहाँ से इसको कमेंट कर देते हैं फिलहाल के लिए। अब दोस्तों हमने मिक्सिन आर्ग्यूमेंट के साथ बना लिया है, हेडिंग कलर यहाँ पे एक वेरिएबल दे दिया और उसको H2 के कलर में यूज कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जहाँ भी हमने इंक्लूड यूज किया है यहाँ पहले तो हमें ब्रैकेट यूज करने हैं, और उसके बाद ब्रैकेट में हमें ये कलर यूज करना है। यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब हमें इसका कोई काम नहीं है, इसको हम डिलीट कर सकते हैं। और इसी टाइप से हमें यहाँ पे जो बॉक्स 2 में जो इंक्लूड यूज किया है यहाँ भी हमें कलर देना है। तो मैं इसके बॉक्स 2 का जो H2 का कलर है वो यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम इसको सेव करके देखते हैं तो ये रिजल्ट सेम ही आ रहा है, क्योंकि हमें यही रिजल्ट चाहिए था। अब जैसे मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, अब हम यहाँ देखेंगे हमारा जो H2 का कलर है वो यहाँ से ले रहा है। आप इसको कुछ और भी चेंज कर सकते हैं, इसको मैं येलो कर देता हूँ। तो दोस्तों आपने देखा कि मिक्सिंस को यूज करने से हमारा कोड कितना सिंप्लीफाई हो गया और लाइट हो गया। और दोस्तों अगर आप चाहते हो कि हमारा ये एंकर टैग है इसका भी हम कलर मिक्सिन में ही लें, तो ये भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक और आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा और वो कलर वहाँ आर्ग्यूमेंट में डालना पड़ेगा, तो उसका तरीका भी हम देख लेते हैं। तो उसके बाद हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ पे एक और कोमा देना है और एक और वेरिएबल बनाना है यहाँ पे। अब हमें किसका कलर चाहिए, हमें बटन का कलर चाहिए, तो हम लिख लेते हैं बटन कलर। और हम ये बटन कलर कहाँ पास करेंगे, एक्चुअली बैकग्राउंड कलर है, बटन बीजी लिख देते हैं, कलर हटा देता हूँ। अब हम ये बटन बीजी कहाँ पास करेंगे, इसको यहाँ पे एंकर में लिख देंगे बैकग्राउंड बटन बीजी। उसके बाद हम यहाँ से ये हटा सकते हैं। तो ये हटाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ से कट कर लेते हैं और उसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब हमें यहाँ पे दो पैरामीटर पास करने हैं, कोमा देके यहाँ पे ये लिख लेते हैं। और उसी तरह से हम बॉक्स 2 में जो बैकग्राउंड का कलर है इसको यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ। अब हम इसको डिलीट कर सकते हैं बॉक्स 2 के ए को, और यहाँ पे हमें कोमा देके वो पेस्ट कर देना है। तो दोस्तों आपने देखा हमारा रिजल्ट अब सेम आ रहा है। और हम अगर चेंज करके चेक करना चाहते हैं कि ये आ रहा है रिजल्ट या नहीं आ रहा, तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ ये कलर, अब मैं सेव करता हूँ। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है इसका। और ऊपर वाले का कलर अगर हम ग्रीन करना चाहें तो यहाँ पे इसका कलर ये ग्रीन हो गया है। तो दोस्तों ये तरीका होता है मिक्सिंस को यूज करने का। आप मिक्सिन को सिंपल भी यूज कर सकते हैं विदाउट आर्ग्यूमेंट के, और आर्ग्यूमेंट के साथ भी यूज कर सकते हैं। अब इससे आपका कोड बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये सिंपल ये मिक्सिन को उठा के कट कर देना है और अपनी मिक्सिंस वाली फाइल में पेस्ट कर देना है। यहाँ हमने मिक्सिंस के लिए फाइल बनाई थी, यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं इसको। अब हमारा सारा जो रिपीटेबल कोड था वो एक मिक्सिन में चला गया है। तो दोस्तों इस तरह से आप मिक्सिंस को यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। दोस्तों मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि आपको मिक्सिंस को कैसे यूज़ करना है अपने प्रोजेक्ट में, अपने प्रोजेक्ट की नीड के अकॉर्डिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे एक्सटेंड क्या होता है सेस के अंदर और इसे हम कैसे यूज़ करते हैं। कीप वॉचिंग UX ट्रेंड। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल UX ट्रेंड को, ताकि मेरी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी वीडियो का अपडेट आपको मिल सके।